कोई भी कंटेंट जिसको हम कंज्यूम करते हैं उसको बनाने के पीछे हर मेकर का एक इंटेंशन होता है। 16 अप्रैल 2020 ये वो दिन था, 7,70,00,000 लोगों ने शो को देखा और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बना। मेकर्स का जो इंटेंशन समझ में आता है वो ये आता है कि किसी भी चीज को क्या मॉडर्नाइज करना इतना ज्यादा गलत है कि उसको बॉयकॉट कर दिया जाए। इसमें माता सीता और राम जी को रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिव्यू विद अक्की। आज से 2 साल पहले इनकी अगर लॉकडाउन की बात करें तो उस टाइम पर बहुत सारी चीजें जहां पर खराब हुई थी वहीं पर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी और वो थी रामानंद सागर जी की रामायण, जिसको एक बार दोबारा से दूरदर्शन पर दिखाया गया था और इंडिया को मौका मिला था अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके इस बेहतरीन शो को देखने का। 16 अप्रैल 2020 इस दिन इस शो को 77 मिलियन लोगों ने यानी कि 7,70,00,000 लोगों ने देखा और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। और करने वाली बात ये थी कि ना ही शो के पास एक बड़ा बजट था, ना ही कोई बड़ी स्टार कास्ट और ना ही कोई हाई क्वालिफाइड VFX टीम। अगर कुछ था तो इसके मेकर्स का एक प्योर इंटेंशन, जहां पर माता सीता को देखने के बाद उनको प्रणाम करने का मन करता है। भगवान राम को अगर आप कभी सोचें तो वही अरुण गोवल जी का चेहरा आपके दिमाग में आ जाता है। ये था इस शो का एक प्योर इंटेंशन जिसको पब्लिक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। जहां पर इंडिया में माइथोलॉजिकल सीरीज और मूवीज को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आदि पुरुष के सिर्फ टीजर रिलीज होने के बाद ही पब्लिक का रिएक्शन कुछ ऐसा था। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बॉलीवुड और बॉयकॉट को लेकर के बात की थी कि इसको टारगेट करना बॉलीवुड को कितना हद तक सही है और मेरे ओपिनियन में काफी हद तक गलत है। क्यों, ये आप उस वीडियो में जाकर के देख लेना। समझने वाली बात यह है कि कोई भी कंटेंट जिसको हम कंज्यूम करते हैं थ्रू OTT प्लेटफॉर्म या फिर थिएटर में जाकर के उसको बनाने के पीछे हर मेकर का एक इंटेंशन होता है, उसका एक मोटो होता है। ज्यादातर केस में ये इंटेंशन आपको एंटरटेन करके आपसे पैसे लेने का होता है और कई बार मेकर्स पब्लिक को कुछ फैक्ट्स बताना चाहते हैं जो आज तक उनसे छुपे हुए थे, जैसे कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स में हमने देखा। वहीं पर आदि पुरुष के टीजर को अगर आप एक बारी सही से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मेकर्स का जो इंटेंशन है वो इस माइथोलॉजी को मॉडर्नाइज करने का है, जहां पर सीता माता को रोमांटिसाइज किया गया है राम जी के साथ, राम जी की मुस्टैच दिखाई गई है और रावण की स्पाइक दिखाई गई है। अब सवाल आता है कि किसी भी चीज को मॉडर्नाइज करना क्या इतना ज्यादा गलत है कि उसको बॉयकॉट कर दिया जाए। यहां पर एक चीज है कि किसी भी मूवी को बनाने के लिए एक स्टोरी यानी कि कहानी की जरूरत होती है और उस कहानी का एक सोर्स होता है, या तो राइटर खुद उस कहानी का सोर्स होता है और वो कहानी काल्पनिक होती है, या तो ये कहानियां किसी नॉवल या फिर बुक से ली जाती है, एक कहानी किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे भी बेस्ड हो सकती है, या फिर चौथा सोर्स आता है कि ये कहानी किसी माइथोलॉजी से ली जा सकती है। स्टार्टिंग के 2 सोर्सेज को अगर मॉडर्नाइज किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखने वाला खुद ही उसकी कहानी का मालिक है और वो जैसा चाहे उसको वैसे लिख सकता है। कई बार इस हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी आपके सामने तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और इसी चीज को ये लोग बोलते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी। अब बात जहां पर माइथोलॉजी की आती है तो एक चीज समझने वाली है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है और किसी भी फीलिंग को हर्ट करने का नाम मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता। सेक्शन 295A के अंतर्गत किसी भी धर्म की फीलिंग को इंटेंशनली हर्ट करना एक जुर्म है जिसकी सजा 3 साल तक है। अब आप खुद सोच करके देखिए कि जिस तरीके से इसमें माता सीता और राम जी को रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है, क्या ये एक धर्म के साथ मजाक नहीं है? यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आदमी को ये राइट देता है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को किसी के सामने एज इट इज रख सके। वहीं पर बॉयकॉट भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। मेरे ओपिनियन में ये मान लेना कि पूरा बॉलीवुड हिंदूज के खिलाफ एक कोई साजिश कर रहा है ये गलत है, पर कोई ऐसा कॉन्टेंट जो सीधे तौर पर किसी धर्म की फीलिंग को हर्ट करता है उस कंटेंट को बॉयकॉट नहीं सीधा बैन कर देना चाहिए। अगर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट और इसके बजट की भी बात करें तो इसके VFX इतने ज्यादा बचकाने हैं जिसको देख करके लगता है कि मेकर्स ने यहाँ पर पब्लिक के साथ लिटरली कोई मजाक किया है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके का मजाक क्या हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के साथ हो सकता था? जवाब है नहीं। तो सिर्फ हिंदूज ही क्यों? जवाब है कि हिंदुइज्म को किसी भी और धर्म के कंपैरिजन में टारगेट करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि जहां पर इतना बड़ा मजाक होने के बाद इस मूवी को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, वहीं पर किसी और धर्म को अगर गलती से ये लोग टारगेट कर देते तो अभी तक इनके मेकर्स को जान की धमकी मिल चुकी होती। पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद इसके मेकर्स ने इसके रिलीज डेट को पोस्टपोन किया है और कहा है कि हम लोग इसका VFX वर्क अच्छा करके लाएंगे। पर जब मेकर्स का इंटेंशन ही इतना ज्यादा खराब हो तो इसका VFX वर्क कितना भी ज्यादा अच्छा कर लिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ओपिनियन में ये मूवी हिंदूज के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जिसको मैं पूरी तरीके से बॉयकॉट करता हूं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में #बॉयकॉट आदि पुरुष जरूर लिख करके जाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हमारा वादा है मूवी दमदार हो ना हो रिव्यू जरूर होगा। तो मिलते हैं रिव्यू विद अक्की के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।